सभी स्टूडेंट्स का नए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में थार केमिकल के बारे में कॉमन बातें पढ़ ली थी कंप्लीट, उनका अध्ययन अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट अपनी जो पार्ट है, आपको बताया गया था कि प्रमुख शब्दावली इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई थार के मरुस्थल के प्रमुख शब्दावली के बारे में कि इसका तात्पर्य क्या है, कौन सा आस्य स्पष्ट होता है, जो भी शब्दावली है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने थार के मरुस्थल की बेसिक बातें कंप्लीट की थी। नेक्स्ट उसमें एक है अपना कि थार का जो मरुस्थल है कौन सा है, थार का मरुस्थल एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है काफ़ी बार एग्जाम में कि थार का मरुस्थल है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन से मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इन अवसादी चट्टानों में आपको सबको पता है कि खनिज तेल कोयला चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं इनमें, खनिज तेल पाया जाता है इन चट्टानों में, कोयला पाया जाता है और चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। और इन्हीं में प्राकृतिक गैस, इन्हीं चट्टानों में कौन सी गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। कौन सी चट्टानों में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। तो खनिज तेल का आपको सबको पता है कि खनिज तेल अपने सर्वाधिक बाड़मेर में है। और प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो ये जैसलमेर में है। कोयले की बात करेंगे तो लिग्नाइट कोयले के भंडार अपने आप बीकानेर में है। और जबकि जो चूना पत्थर है वो नागौर में जो पहले चूना पत्थर था वो किसमें परिवर्तित हो गया, संगमरमर में परिवर्तित हो गया। और चूना पत्थर यानी पश्चिमी जिले यानी अपना जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में कौन सा है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात, अब बात करते हैं अपन प्रमुख शब्दावली की। तो काफ़ी बार एक शब्द पूछा गया है एग्जाम में, काजरी। यदि अपन बात करेंगे काजरी की कि काजरी क्या है, पहली बात यह है यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना है वो 1959 में की गई थी। कब हुई थी, 1959 में। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में स्थित है, जोधपुर ज़िले में स्थित है। पहली बात कि काजरी है, इसका यानी फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था। स्थापना कब हुई, तो आंसर आएगा 1959 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। और जो ये काजरी है ये कार्य क्या करती है, ये कार्य करती है कि मरुस्थल का विस्तार किस प्रकार से रोका जाए, उसके ऊपर ये क्या करती है कार्य, कौन सी संस्थान करती है, काजरी। और काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1959 और है इसका मुख्यालय कहाँ पर, जोधपुर में। इसी प्रकार एक संस्था है आफरी, एक कौन सी है, आफरी। एक संस्था और है, ये जो आफरी है इसकी बात करेंगे अपन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी आफरी केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, आफ्री की स्थापना 1985 में। और इसी प्रकार इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये मरुस्थली क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाने के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी संस्थान करती है, तो आफ्री संस्थान करती है। जबकि मरुस्थल को रोकने का कार्य कौन सी संस्थान करती है, तो आंसर आएगा काजरी। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का कार्य कौन सी करती है, आफ्री। जबकि काजरी की स्थापना 1959 में और आफ्री की स्थापना 1985 में। ये आपकी दो प्रमुख संस्थाएं इस क्षेत्र में क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट प्रमुख शब्दावली में अपन बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट अपन तीन नंबर पे इसमें शब्दावली में देख सकते हैं, एक आता है सेवन घास,
सेवन घास। यदि सेवन घास की अपन बात करेंगे तो ये इस क्षेत्र की एक प्रमुख घास है जिसका नाम क्या है, सेवन घास। और इसमें जो गोडावन पक्षी होता है जो कि अपना राज्य पक्षी है गोडावन, वो इसमें प्रजनन यानी इसमें अंडे देता है। किस में देता है तो आंसर क्या आएगा, सेवन घास। और इस सेवन घास का जो स्थानीय नाम, इस सेवन घास का स्थानीय नाम की यदि आप बात करते हो तो आंसर आएगा लिल्लोण घास। इसका स्थानीय नाम क्या है, लिल्लोण घास। कौन सी का, सेवन घास का स्थानीय नाम क्या है, लिल्लोण घास। जबकि इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है लूसी थुरुस सिडिकुस। क्या है, लूसी थुरुस सिडिकुस, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। जबकि स्थानीय नाम क्या है इसका, लिल्लोण घास, इसका क्या है स्थानीय नाम है। और ये गोडाउन पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इस सेवन घास में क्या करते हैं, प्रजनन यानी इसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट, सेवन जो घास है ये पाई जाती है कौन से क्षेत्र में, तो आंसर आता है लाठी सीरीज क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये घास, लाठी सीरीज क्षेत्र में। कौन सी घास पाई जाती है तो आंसर आएगा सेवन घास। और ये लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र का यानी लाठी सीरीज से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाठी सीरीज से क्या तात्पर्य है, तो लाठी सीरीज से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर ये खोजी गई एक आंतरिक जल पट्टी है। ये क्या है, एक आंतरिक भूगर्भिक जल पट्टी है। कौन सी है, लाठी सीरीज क्षेत्र, आंतरिक भूगर्भिक जो जल पट्टी है वो क्या कहलाती है, लाठी सीरीज। अब इस लाठी सीरीज की अपन बात करते हैं यानी जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग है 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। और यदि इसकी आप लंबाई की बात करते हो तो लगभग कितने किलोमीटर में फैली हुई है, ये 80 किलोमीटर, तो ये क्या है लंबी है। और 60 मीटर है ये क्या है, चौड़ी है। कौन सी पट्टी की बात है, ये लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी। यदि अपन लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी की बात करते हैं तो इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो हरा भरा है। किस प्रकार का क्षेत्र है, ये हरा भरा क्षेत्र है। और इस हरा भरा क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। यानी इस का जो आसपास का जो हरा भरा क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। और लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भिक, क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। ये कैसी जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी। कौन सी है, तो लाठी सीरीज, ये क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है। नेक्स्ट, इसका यदि आपसे पूछे कि भाई लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जो विस्तार है पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक। कहाँ तक है, पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक ये पट्टी क्या है, फैली हुई है। तो पहली बात कि 4-5 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक बार दोबारा देखो इनको कि सेवन घास, इसका स्थानीय नाम क्या हो गया, लिल्लोण घास हो गया। और यहाँ पर कौन से पक्षी, गोडावन पक्षी के प्रजनन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, इस घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लूसी थुरुस सिडिकुस। और ये जो घास है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र में ये पाई जाती है। और लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, एक आंतरिक भूगर्भिक क्या है, जलपट्टी, आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी है जिसका विस्तार जैसलमेर में पोकरण से लेकर कहाँ तक है, मोहनगढ़ तक। यानी लगभग कितने किलोमीटर है ये, 80 किलोमीटर क्या है लंबी, और 60 मीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई। और इस क्षेत्र में ये आंतरिक है तो इसके बाहर हरा भरा क्षेत्र है, उस हरा भरा क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। क्या बोलते हैं, नखलिस्तान के नाम से इसको अपन जानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक शब्द आता है रेगिस्तान का मार्च का तात्पर्य है। रेगिस्तान का मार्च से तात्पर्य है यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। और ये कार्य सर्वाधिक मई और कौन से महीने में होता है, जून के महीने में होता है। यानी रेगिस्तान का मार्च यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना कौन से दो महीने में ज़्यादा होता है, मई में और जून में, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च नाम से इसको अपन जानते हैं।
नेक्स्ट देखो, एक शब्द आता है उर्मिका, एक शब्द क्या आता है उर्मिका, एक शब्द क्या है उर्मिका। उर्मिका क्या होती है, जो बालुका स्तूपों के ऊपरी जो सतह या परत होती है, जो ऊपरी जो बालुका स्तूपों की सबसे जो ऊपरी परत होती है वही किस नाम से जानी जाती है, बालुका स्तूप। ये जो बालुका स्तूप है इसकी जो सबसे ऊपरी परत है वो किसके नाम से जानी जाती है, उर्मिका के नाम से जानी जाती है। एक शब्द इस क्षेत्र में अपनाता है पीवणा, कि पीवणा से तात्पर्य है या पीवणा का संबंध है, तो पीवणा अपने थार के मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला एक क्या है सर्प, कौन सा है पीवणा, कौन सा सर्प है पीवणा सर्प है। और इसके बारे में एक यानी किंवदंती या लोकोक्ति है वहाँ पर कि जो पीवणा है ये जो सर्प है ये यानी किसी भी इंसान को काटता नहीं है, ये केवल उसकी श्वसन क्रिया में जहर को घोल देता है और इससे इंसान की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। कौन से सर्प के बारे में ये बात है, पीवणा सर्प के बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट शब्दावली में उर्मिका हो गया, पीवना हो गया, एक शब्द आता है नेबटा, एक शब्द क्या आता है नेबटा। जो थार के मरुस्थल में जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं उन झाड़ियों के इर्द गिर्द जो बालुका स्तूपों का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, नेबटा के नाम से जाना जाता है। बालुका स्तूपों के यानी इर्द गिर्द जो बालुका जो स्तूप हैं जो झाड़ियों के जो इर्द गिर्द होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, नेबटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन और देखेंगे कि इसमें और शब्द कौन से हैं, एक है यहाँ पर चांदन नलकूप, चंदन नलकूप, ये क्या है, इसको अपन थार का घड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं थार का घड़ा, किसको कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा चंदन नलकूप। ये जो जैसलमेर का सम गांव है वहाँ के आसपास स्थित है, कौन सा नलकूप है चंदन नलकूप। और ये जो चंदन नलकूप है इसको अपन क्या कहते हैं थार का घड़ा, क्या कहते हैं थार का घड़ा से इसको क्या करते हैं संबोधित करते हैं, जो कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है जलराशि यहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से चंदन नलकूप से। और वैसे अपने को पता ही है कि यानी जो थार का मरुस्थलीय पश्चिमी जो अपने ज़िले हैं उनमें इंदिरा गांधी जो नहर है उसका पानी आ रहा है, गंग नहर का पानी भी इन ज़िलों में आ रहा है और भाखड़ा नहर का पानी भी इन ज़िलों में आ रहा है, लेकिन एक जो भूगर्भिक जल का स्रोत है चंदन नलकूप वो क्या कहलाता है यहाँ का थार का घड़ा कहलाता है। एक यहाँ पर शब्दावली में आपको पूछ सकता है बटूड़ा कुआँ, कौन सा कुआँ है बटूड़ा कुआ, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको थार का जलमहल, क्या कहते हैं थार का जलमहल, किसको कहते हैं थार का जलमहल, तो बटूड़ा कुआ। और ये बटूड़ा कुआ कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा बाड़मेर में, कहाँ पर है बाड़मेर में, क्योंकि इसके जो अंदर है वो चित्रकारी की गई है किसके अंतर्गत बटूड़ा कुआ में, इस कारण इसको थार का क्या कहते हैं जलमहल कहते हैं। और ये कौन से ज़िले में स्थित है बाड़मेर ज़िले में, जबकि चंदन नलकूप कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में स्थित है जैसलमेर जिले में, कौन सा है चंदन नलकूप, कौन से जिले में स्थित है जैसलमेर जिले में। उर्मिका बालुका स्तूपों के ऊपरी परत है, बटूड़ा कुआ थार का जलमहल है, और ये कौन से जिले में स्थित है बाड़मेर जिले में स्थित है। पीवणा क्या है एक सर्प की प्रजाति है, और रेगिस्तान का मार्च का संबंध क्या है मरुस्थल का आगे बढ़ना यानी आगे विस्तार होना, और ये कौन से महीनों में ज़्यादा होता है मई में और जून में ज़्यादा होता है। और नेबटा का जो संबंध है वो किससे है यानी नेबटा क्या है कि जो बालुका स्तूप बनते हैं झाड़ियों के इर्द गिर्द वो किससे संबोधित किए जाते हैं नेबटा के नाम से संबोधित किए जाते हैं। कुछ और शब्दावली देखते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें एक शब्द आता है अपनी पलाया झील, एक शब्द क्या आता है पलाया झील, दूसरा है इसमें आपका टाटिया रन, क्या है टाटिया रन, और एक इसमें है आपका शब्द है खड़ीन, एक शब्द क्या है खड़ीन। इन तीन में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो होती है पलाया झील, एक तो क्या होती है पलाया झील, एक होता है टाट या रन और एक होता है खड़ीन, एक क्या होता है खड़ीन। यदि अपन पलाया झील की बात करते हैं तो पलाया झील देखो इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हो कि ये एक बालुका स्तूप है अपना और ये एक बालुका स्तूप है। इन यदि अपन बालुका स्तूपों की यदि अपन बात करते हैं इन बालुका स्तूपों के मध्य यदि वर्षा का जल, किसका जल, यदि यहाँ पर वर्षा का जल
किसका जल, वर्षा का जल भर जाता है। दो बालुका स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि है इसमें जो वर्षा का जल भर जाता है तो यहाँ पर एक अस्थायी झील का क्या होता है निर्माण, किसका निर्माण होता है, अस्थायी क्या होती है, झील का निर्माण होता है। दो बालुका स्तूपों के मध्य निम्न जो भूमि है इसमें जो वर्षा का जल आ जाता है भर जाता है तो उससे क्या बनती है, एक अस्थायी झील का निर्माण होता है और ये अस्थायी झील ही क्या कहलाती है, पलाया झील। यही झील क्या कहलाती है, पलाया झील। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो पलाया झील है वो किसे कहते हैं, दो बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का जो जल अस्थायी समय के लिए भर जाता है, अस्थायी झील बनती है, उसको क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। और आप सभी को पता है कि थार के मरुस्थल में तापमान की मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा। तो ये जो जल है, ये वाला जो जल है ये कम ही यानी ज़्यादा समय तक नहीं रुकता है और ये कम समय में क्या हो जाता है, शोषित हो जाता है यहाँ की मृदा के द्वारा और यहाँ पर दलदल का क्या हो जाता है निर्माण, किसका निर्माण हो जाता है, दलदल का, किसका निर्माण होता है, दलदल का निर्माण होता है। और ये दलदल जो होता है ये ही क्या कहलाता है, टाट या रन, क्या कहलाता है, टाट या रन के नाम से अपन इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, किसके नाम से जान सकते हैं, टाट या रन के नाम से जान सकते हैं। और इस जो दलदल या टाट रन का जो क्षेत्र है इसमें जो कृषि की जाती है, इस टाट या रन या इस दलदली क्षेत्र में जो अपन कृषि करते हैं उसी कृषि को आप क्या कह सकते हो, खड़ीन, क्या कह सकते हो, खड़ीन कृषि के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो तीन शब्द हैं, तीनों आपको इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे कि दो बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का जो जल बनने से अस्थायी जो झील बनती है वो क्या कहलाती है, पलाया झील, क्या कहलाती है, पलाया झील। दूसरी बात, जो ये वर्षा का जल है यानी शोषित हो जाता है, सूख जाता है तो किसका निर्माण होता है, दलदल का निर्माण होता है और ये दलदली क्या कहलाता है, टाट या रन कहलाता है। और जो इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है दलदली में वो क्या कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। एक शब्द है, एक यानी पूछा जाता है सम गांव, क्या है, सम गांव। तो राजस्थान का ये यानी थार के मरुस्थल का एक ऐसा गांव है जो कि वनस्पति रहित है, कैसा गांव है, वनस्पति रहित गांव, कैसा गांव है ये, वनस्पति क्या है, रहित गांव है, कौन सा है, सम गांव, कैसा गांव है, वनस्पति रहित गांव, कौन सा है, सम गांव। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, सम गांव में, कहाँ पर होती है, समगांव में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान या क्षेत्र कौन सा है, समगांव। और ये समगांव कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर में, कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, कौन सा गांव, समगांव। अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पर यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, 61.11 और जनसंख्या कितनी है, केवल कितनी है, 40%। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, 40%, यानी कि न्यूनतम जनघनत्व है, यानी न्यूनतम जनघनत्व है और एक होता है सर्वाधिक जनघनत्व है। तो न्यूनतम जनघनत्व है, न्यूनतम जनघनत्व है किस भौतिक प्रदेश में है, न्यूनतम जनघनत्व है, तो आपका आंसर आएगा थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान या उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान में क्या है, न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। जबकि सर्वाधिक अपना कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग में, भाई सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, पूर्वी मैदानी भाग में, जबकि न्यूनतम जनघनत्व जो है वो कौन से का है, प्रदेश का है, तो थार के मरुस्थल का ही क्या है, न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक यानी जनघनत्व वाला जिला तो अपना कौन सा है, जयपुर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, जयपुर, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिले की अपन बात करते हैं तो आंसर क्या आता है, जैसलमेर, कौन सा आता है, जैसलमेर, वहाँ का केवल कितना है, 17, यानी 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में आप क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला तो कौन सा आएगा, जैसलमेर, कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 17 व्यक्ति करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई जैसलमेर के बाद में कहाँ पर है न्यूनतम जनघनत्व है, तो आंसर कौन सा आता है, बीकानेर, बीकानेर में कितना है, 78, बीकानेर में कितना है, 78। और तीसरे नंबर पे अपना आता है बाड़मेर, कौन सा आता है, बाड़मेर, बाड़मेर में कितना है, 90, कितना है, 90। तो जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में कितना है, 90। तो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से क्या है, कम, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से क्या है, कम, तो कितने जिले हो जाएंगे टोटल,
3, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का कितना है 90। तो राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 100 से क्या है कम, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये सब बातें अपनी किसके बारे में है, थार के मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में है, थार के मरुस्थल के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन और कि विश्व का, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि विश्व का शक्ति ग्रह, विश्व का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, विश्व का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। तो विश्व के यदि अपन शक्ति ग्रह की यदि अपन बात करते हैं तो विश्व का जो शक्ति ग्रह है वो किसको कहते हैं, थार के मरुस्थल को। किसको कहेंगे, थार के मरुस्थल को। विश्व का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह। किसको कहेंगे, थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को। विश्व का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह। अब आप सोचोगे कि भाई क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन सीधा सा है कि विश्व का शक्ति ग्रह थार के मरुस्थल को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यानी ऊर्जा के परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत दोनों ही पाए जाते हैं। यानी परंपरागत की आप बात करोगे, परंपरागत की बात करेंगे, खनिज तेल है, पेट्रोल है, यहाँ पर कोयला है, प्राकृतिक गैस है और वर्तमान में यहाँ पर सौर्य ताप है यानी सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है यानी इनसे यहाँ पर क्या हो रही है, पवन ऊर्जा निर्मित की जा रही है। तो इस मरुस्थल में यह देन है कि यहाँ पर परंपरागत स्रोत भी हैं और गैर परंपरागत स्रोत भी हैं। इस कारण इसको अपने विश्व का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह भी कहते हैं। किसको कहते हैं, थार के मरुस्थल को। विश्व का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किसके बारे में ये बातें, थार के मरुस्थल के बारे में। तो पहली बात अपन ने इसके यानी चर्चा की प्रमुख, यानी इसके जो क्वेश्चन बनते थे सामान्य उनकी चर्चा की, फिर अपन ने इसकी प्रमुख शब्दावली की चर्चा की है और इसमें जो जो शेष रहता है वो है कि यहाँ पर बनने वाले बालुका स्तूपों के प्रकार, किसमें, थार के मरुस्थल में बालुका स्तूपों के प्रकार और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सभी कमेंट्स में बताएं और इसको सर्वाधिक यानी इसको लाइक्स करें और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सभी को धन्यवाद।